बाला साहब ठाकरे की जयंती पर नवी मुंबई शिवसेना का रक्तदान अभियान, उपनेता विजय नाहटा ने किया उद्घाटन, हजारों नागरिकों ने लिया हिस्सा। नवी मुंबई के शिवसैनिकों ने आज विविध ठिकानों पर रक्तदान शिविर और सामाजिक उपक्रम चलाकर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को उनके 95वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नेरुल के कई प्रभागों में रक्तदान शिविर चला, जिसका शुभारंभ शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने किया। पहला कैंप प्रभाग 91 के शिवसेना पदाधिकारी अरुण गुरव और सुजाता गुरव द्वारा सेक्टर 19 के गुरुद्वारा में आयोजित किया गया, जहाँ सैकड़ों नागरिकों ने रक्तदान किया। आयोजक सुजाता अरुण गुरव ने इस रक्तदान शिविर को शिवसेना प्रमुख की जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि बताया और डीवाई पाटिल हॉस्पिटल और नागरिकों के सहयोग के लिए आभार जताया। वहीं जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए समाजसेवी अरुण गुरव और सुजाता गुरव की सराहना की। आज सभी देशवासियों की श्रद्धा स्थान वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की 95 आज उनकी जयंती है। उस अवसर पर सारे महाराष्ट्र में, पूरे देश में अलग अलग समाजसेवी के प्रोग्राम हो रहे हैं, उसी का एक भाग करके यहाँ पर हमारे अरुण जी गुरव और उनकी धर्मपत्नी सुजाता जी, उनके तरफ से और हमारे सभी शिवसेना के पदाधिकारी और डीवाई पाटिल के यहाँ पर हम नायर मैडम और उनका स्टाफ, उनके तरफ से यहाँ पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। महामारी के कारण सभी हॉस्पिटल में खून की कमी महसूस हो रही थी, ऐसे वक्त में हमारे मुख्यमंत्री साहब उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने लोगों को ऐलान किया कि आप लोग रक्तदान करिए कि हॉस्पिटल में खून कम है। तो इसका एक भाग करके इसी दिन आज जो बाला साहब की जयंती है, उस जयंती के अवसर पर ये रक्तदान शिविर हो रहा है। मैं अरुण गुरव, उनकी पत्नी सुजाता और हमारे सारे पदाधिकारी, उनका सब मैं अभिनंदन करता हूँ। माननीय बाला साहेब ठाकरे जी, इनका आज 95 बर्थडे है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का एक कैंप रखा हुआ है। जैसे कि कोविड-19 का जो हमारे ऊपर एक बड़ा संकट आया था, उसके लिए हमारे माननीय उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने हम लोगों को ऐलान किया था कि आप जितना ब्लड डोनेट कर सकते उतना करो, क्योंकि ज़रूरत है ये आज के देश के लिए। तो हमने ये जयंती के टाइम पे हम लोगों ने ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा है। हमारे गुरुद्वारा के जो भाई है उन्होंने और हमारे एरिया के जो है उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से सहायता की है इसके लिए। और हमारे ज्येष्ठ है मोरे साहब जी, जिनको हम काका बोलते हैं,
उन्होंने हमें बहुत अच्छा सहयोग किया है। इसवे जी है, मैडम है, तो इनके वजह से हम लोग ये बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं जिन्होंने डोनेशन किया उनका मैं धन्यवाद मांगना चाहती हूँ। रक्तदान यानी जीवन दान, रक्तदान यानी बहुत पुण्य का काम। मैं ये आप सबको जिन्होंने आयोजित किया उनको धन्यवाद देते हुए यही बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में ढेर सारे थैलेसीमिया, सिकल सेल, कार्डियक सर्जरी, डायलिसिस पेशेंट है जिनको रक्त के दान कारण, खून नहीं मिलने के कारण बहुत सी कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है। ऐसे में इतना उत्स्फूर्त और अच्छा अनोखा कार्यक्रम करके इन ग्रुप ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। वहीं दूसरा रक्तदान शिविर नेरुल के प्रभाग नवासी में शिवसेना पदाधिकारी ज्ञानेश्वर सुतार और सुजाता सुतार द्वारा आयोजित किया गया। यहां शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने भेंट दी और रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया। आयोजन को लेकर शिवसेना पदाधिकारी ज्ञानेश्वर सुतार और सुजाता सुतार ने बताया कि वे बीते 27 सालों से बाला साहब ठाकरे की जयंती पर रक्तदान शिविर और लोकोपयोगी कार्यक्रम करते आ रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे यांच्या वाढ जन्मदिवसानिमित्त आम्ही जवळजवळ 29 वर्ष ब्लड डोनेशन कॅम्प राबवत आहे। आज खरोखर आनंदाची बाब आहे की सर्व एवढे कार्यकर्ते वर्षानुवर्ष आमच्याकडे या कार्यक्रमासाठी जुडत आहेत। आज ह्या हाच कार्यक्रम नसून क्रिकेटचे सामनेही आम्ही मर्यादित षटकांचे सामनेही आयोजित केलेले आहेत। ज्या वार्डमधल्या काही समस्या राहिल्या असतील त्या पण पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। येणाऱ्या 26 जानेवारीला आमच्या इथं शिरोणे गावासाठी उच्चस्तरीय जलकुंभ बनवण्याचा जो टेंडर निघाला आहे त्याची काम सुरू करण्याचा मुहूर्त आम्ही त्या दिवशी साधलेला आहे। तर नक्कीच सर्वांनी त्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहावं। वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले जाते। तर सलग हा रक्तदान शिबिराचा 27वा वर्ष आहे आणि दरवर्षी भरघोस रक्तदाते आहेत, त्यांचा भरघोस प्रतिसाद असतो। 80 ते 85 पर्यंत इथे रक्तदाते दान करत असतात आणि दरवर्षीप्रमाणे हा कार्यक्रम आयोजन केले असतो। आणि वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे जयंतीनिमित्त सर्वांना अभिवादन। गौरतलब है कि शिवसैनिकों के लिए बालासाहेब ठाकरे की जयंती किसी उत्सव से कम नहीं होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसे जनसेवी उपक्रमों के साथ बेहद सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने पदाधिकारियों के कार्यक्रमों और मनपा अस्पताल में भेंट देने के बाद कहा कि बालासाहेब ठाकरे अपने कार्यों के लिए जनता और शिवसैनिकों के दिलों में बसे हैं। उनकी जयंती पर जनता की सेवा ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त अनेक वर्षापासून या शहरामध्ये सगळे शिवसैनिक वेगवेगळे उपक्रम राबवतात, प्रामुख्याने आरोग्यविषयक उपक्रम साहेबांच्या शिकवणीप्रमाणे राबवतात। या ठिकाणी APMC टेम्पो संघटना जी शिवसेनेची आहे दरवर्षी कार्यक्रम राबवतात, यावर्षी देखील त्याचाच एक भाग म्हणून या ठिकाणी मोफत चष्म्यांचं वाटप शेकडो लोकांना करण्यात येत आहे। रक्तदान शिबिर खूप मोठ्या प्रमाणावर आयोजित केले, अनेक रक्तदाते या ठिकाणी आलेले आहेत। याशिवाय या भागातल्या लोकांना आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांची आरोग्य तपासणी करत नाहीत तर त्यांचं ECG काढणं, BP चेक करणं अशा प्रकारच्या प्राथमिक तपासण्या देखील या ठिकाणी केल्या जातात। हिंदू हृदय सम्राट यांनी जी शिकवण दिली त्या शिकवणीप्रमाणे हे मोठं काम हे सगळी शिवसैनिक या ठिकाणी करतात, त्यांना मी खूप खूप धन्यवाद देतो। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।